हेलो मॉमीज, वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम बच्चों की इम्यूनिटी को किस तरह से बढ़ाएं। अभी जो ये कोरोना वायरस चल रहा है, इसमें इम्यूनिटी पे काफी जोर दिया जा रहा है। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो बच्चे क्या बड़े भी कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ लेंगे, उसको हरा देंगे। हमें सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि हमें कोरोना ना हो, हम सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखेंगे। और कोरोना को तो आप साइड में, हम अगर कोरोना की बात ना भी करें तभी बच्चों की इम्यूनिटी को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। अगर बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होगी तो उनको कोई भी तरह की बीमारी, किसी भी तरह की बीमारी का कोई खतरा नहीं होगा, वो स्ट्रांग रहेंगे। अगर इम्यूनिटी अच्छी होगी तो फीवर नहीं आएगा, जो रेस्पिरेटरी डिसीज होती है वो बार बार नहीं होंगी। तो हमें बच्चों की इम्यूनिटी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब हम शुरू करते हैं, बच्चों के एज ग्रुप के हिसाब से हम बात करेंगे। जो 0 to 6 months के बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी बूस्टर के लिए सबसे बेस्ट चीज होती है मदर मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क। सबसे ब्रेस्ट मिल्क से अच्छा कुछ है ही नहीं। आप बच्चे को जितना ज्यादा हो सकता है ब्रेस्ट मिल्क दीजिए 6 महीने तक की एज तक। अगर किसी रीजन से आप बेबी को ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे पा रहे हैं तो आप अपने बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। फॉर्मूला मिल्क में बहुत सारी ब्रांड्स आती हैं, सारे फॉर्मूला मिल्क अच्छे होते हैं। आप नैनप्रो दे सकते हैं, सिमिलेक दे सकते हैं, बहुत तरह की ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है। तो आप कोई सी भी कंपनी का फॉर्मूला मिल्क अपने बच्चे को दे सकते हैं। पर अगर आप ब्रेस्ट मिल्क देंगे तो वो बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। उसमें सारे तरह के विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन सब कुछ ब्रेस्ट मिल्क में होता है। अगर आपका बच्चा 6 months plus है, 6 to 1 years तक की एज ग्रुप के लिए, तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें एड ऑन हो जाती है। जो हम अपने बच्चे की डाइट में अगर शामिल करेंगे तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। कहते हैं ना कि जो इम्यूनिटी होती है वो बचपन का ही जो खाया पिया होता है वही बड़े होके काम आता है। तो हमें अपने बच्चों को अभी से ही सारी हेल्दी चीजें उनकी डाइट में शामिल करनी है, रूटीन बना लेना है। तो अब इसमें क्या क्या शामिल कर सकते हैं, फ्रूट्स हो गए। फ्रूट्स में बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप शामिल कर सकते हैं। स्पेशली आप एवोकाडो दे सकते हैं, आप एप्पल दे सकते हैं बेबी को। एवोकाडो की आप प्यूरी बना के दे सकते हैं, एप्पल की प्यूरी बना के दे सकते हैं, जिसकी वीडियो मैंने करी है, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी। आप अमरूद दे सकते हैं, अमरूद बहुत अच्छा विटामिन सी का सोर्स है। तो अमरूद ऐसा तो बच्चे खा नहीं पाते 6 months to 1 years के एज ग्रुप के बच्चे। आप अमरूद की प्यूरी बना के, अमरूद को स्टीम करके, उसको अच्छे से छान के बच्चे को दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप बच्चे को अलग अलग प्रकार की दालें जो होती हैं वो आप बच्चों की डाइट में साथ शामिल करें। अरहर दाल, मूंग दाल हो गई, ये अच्छी प्रोटीन का सोर्स होती है दाल वगैरह। आप बेबी को वेजिटेबल सूप दे सकते हैं, वेजिटेबल खिचड़ी दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो अंडा होता है, अंडा बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। तो आप बेबी को एक उसकी डाइट में जरूर शामिल करिए। अगर विंटर्स है तो आप उसको डेली एक एक दे सकते हैं। समर्स, अगर समर्स का सीजन है तो आप वीक में 2 दिन या वीक में 3 दिन, अगर आपका बेबी डेली ले पा रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है एक से, तो आप उसको डेली एक एक दे सकते हैं। 1 साल तक के बच्चे को एक का सिर्फ हमें येलो पोर्शन देना है, व्हाइट पोर्शन नहीं देना है। अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप उसको पूरा कंप्लीट एक का, मतलब कंप्लीट एक डिफरेंट फॉर्म में ऑमलेट दे सकते हैं, एक की अलग अलग चीजें बना के दे सकते हैं, एक भुर्जी दे सकते हैं अगर 1 साल से बड़ा आपका बच्चा है। 1 साल से छोटा है तो आप बॉयल एग करके उसको दूध में मिक्स करके दे सकते हैं, स्क्रम्बल्ड एग आप बेबी को दे सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप से आप जैसा भी चाहें अपने बेबी को आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो दूध है, फॉर्मूला मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क तो मैंने बताई है, तो आपको बेबी का 1 साल तक मेजर सोर्स होता है, मतलब उसके दूध तो सबसे जरूरी होता है फर्स्ट 1 साल में। तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा ब्रेस्ट मिल्क दें। ब्रेस्ट मिल्क अगर किसी रीजन से नहीं दे पा रहे तो आपको गाय और भैंस का दूध नहीं देना है, आप उसको ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला मिल्क दें। तो आप बच्चे को बादाम दे सकते हैं, काजू दे सकते हैं, अखरोट दे सकते हैं। अब देना कैसे है, 6 months to 8 months का बच्चा या 9-10 months के बच्चे बादाम, अखरोट, काजू इस तरह से तो नहीं खा सकते हैं। तो आप बच्चे को बादाम को घिस के दे सकते हैं, उसका जो पानी है वो पिला सकते हैं। 6 to 8 months तक की एज में बादाम और काजू को आप पानी में भिगो दें।
और उसके बाद आप उसको घिस के जो उसको बीस का पानी है, मतलब दूध निकले बादाम और पानी वाला, वो आप बच्चे को कटोरी चम्मच से आप दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा 8 महीने से बड़ा है तो आप बादाम, काजू, अखरोट इनको ड्राई रोस्ट करके एक उसका पाउडर बना ले, जिसकी वीडियो में जल्दी आप लोगों से शेयर करूंगी। वो पाउडर आप बच्चे को देंगे तो उससे बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, बच्चों की हेल्थ अच्छी होगी। ये वेट गेन के लिए भी बहुत अच्छा है, इससे बच्चों का वेट गेन बहुत अच्छे से होगा। तो ये जितनी भी सारी चीजें मैंने बताई आप बच्चे की डाइट में शामिल करें। वेजिटेबल्स डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स आप बच्चे को दें, वेजिटेबल सूप बना के आप बच्चे को दे सकते हैं, तो इससे बच्चों को इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। उनका खान पान अगर अच्छा होगा तो किसी भी तरह की नॉर्मल भी अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में फीवर आ गया तो वो उसे आसानी से लड़ पाएंगे और उनको इस तरह की बीमारी होने का खतरा बहुत कम रहेगा। तो इसके लिए आपको एक बैलेंसिंग डाइट चार्ट बनाना होगा। हर वीक में आपके घर में जो भी चीज अवेलेबल है उस हिसाब से अपने बेबी को दें। इससे बेबी को किसी भी तरह की कोई भी, मतलब जो जल्दी जल्दी बच्चे बीमार होते हैं वो नहीं होंगे, वो अंदर से बहुत स्ट्रांग रहेंगे। तो आप बेबी को नहीं, अगर बच्चा खा रहा है तो उसको किसी भी तरह से आप बहला के, फुसला के, कुछ टॉयज के साथ खेल के, उसका माइंड डाइवर्ट करके आप उसको ये सब चीजें जरूर उसकी डाइट में शामिल करें। आप बच्चे को दही भी दे सकते हैं, अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है तो दही बच्चे को बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, आप बच्चे को दही दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप उसको ड्राई फ्रूट्स के लड्डू दे सकते हैं, रागी के लड्डू बना के दे सकते हैं, बॉइल्ड एग दे सकते हैं, ऑमलेट दे सकते हैं। फ्रूट्स को डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं, अनार हो गया, एप्पल हो गया, पपाया हो गया, सब कट करके फ्रूट चाट बना के दे सकते हैं अगर बड़ा बच्चा है तो। छोटे बच्चे के लिए मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं। 1 साल से अगर छोटा बच्चा है तो आपको उसको शुगर और सॉल्ट नहीं देना है। क्यों नहीं देना है इस पे मैं अलग से वीडियो करूंगी और सारी चीजें डिटेल वाइज बताऊंगी। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, ये सारी चीजें अगर अपने बेबी की डाइट में रूटीन वाइज डिफरेंट डे के हिसाब से अगर शामिल करेंगे तो आपके बच्चे की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी, उसको किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने में उसको क्षमता मिलेगी, स्ट्रांग होगा वो। और अभी ये कोरोना चल रहा है तो आपको अपने बच्चों के साथ, अगर आपके छोटे बच्चे तो आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है, घर के अंदर ही रहना है ज्यादा से ज्यादा। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मैं एक बार और रिमाइंड कराना चाह रही कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स होता है 1 साल तक के एज ग्रुप में बच्चों के लिए इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो आप ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को ज्यादा से ज्यादा दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय मम्मीज़।